नमस्ते नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आप सभी देशवासियों की तपस्या, आपके त्याग की वजह से भारत अब तक, साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या है वो 26,000 से ज्यादा। कोरोना वायरस शुरू हुआ चीन के वुहान शहर में, बहुत बड़ा लगा कि काबू नहीं हो पाएगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि चीन में कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़ी मौत। WHO पर अमेरिका के बाहर भी आरोप लगे हैं, इसके कामकाज को लेकर टिप्पणी होती रही है और इस पर चीन के नजदीक होने के भी आरोप लगे हैं। बीबीसी दुनिया में आज देखिए, लोकतंत्र का असर वोटरों के जोश के आगे बौना हुआ कोरोना। ये भी कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो चीन पर पिछले कुछ दिनों में आरोप लगे हैं कि उसने दुनिया को समय पर आगाह नहीं किया वायरस के खतरे को लेकर, वो जो दुनिया की चिंता है उस पर, ये जो फंडिंग रोकने का ताजा फैसला है उस चिंता पर हावी होगा, उस पर भारी रहेगा, उसकी चर्चा अब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की वजह से लोग दुखी हैं। प्रकृति के सामने सब लोग बेबस हो जाते हैं। कितने शक्तिशाली देश, अमेरिका, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, आज से 3-4 महीने पहले आप सोच सकते थे कि एक ऐसा टाइम आएगा जब इतने शक्तिशाली देशों के अंदर इस तरह की महामारी फैलेगी, पूरे विश्व के अंदर इस तरह की महामारी फैलेगी,
कि लोग इतने बेबस हो जाएंगे प्रकृति के सामने, हम सोच भी नहीं सकते थे। हम इसे प्रकृति बोल लें, हम इसे अल्लाह बोल लें, हम इसे ईश्वर बोल लें, हम जो मर्जी बोल लें, लेकिन प्रकृति बहुत शक्तिशाली है और इंसान उसके सामने बेबस हो जाता है। और इतिहास में हमने देखा है कि जब जब इंसान ने प्रकृति के नियमों को नहीं माना, तब तब प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया। गीता में भी लिखा है ना कि हमें मानव जीवन मिला है दूसरों की सेवा करने के लिए, कि हम अपनी जिंदगी का एक एक पल दूसरों की सेवा में।